हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो आगे इसमें टाइप देखेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल का ही सम देखेंगे, इसमें थोड़ी वैरायटी देखेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। वो बोल रहा है अ जेट डिलीवर्स अ वाटर एट रेट ऑफ 55 लीटर पर सेकेंड। यानी डिस्चार्ज कैपिटल क्यू दे के रखा है 55 लीटर पर सेकेंड। तो इसको हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा करना होगा, तो लीटर पर सेकेंड में तो डिवाइड बाय 1000 करना होगा। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। फिर आगे बोल रहा है विथ अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। सो जेट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं V1 बोल रहा हूं, सेम वो टेनजेंशियल वाला ही समय, लेकिन उसमें वेराइटी है। द जेट स्ट्राइक टेनजेंशियली ऑन द वैन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। देखो, अब टेनजेंशियल बोलेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मूविंग भी और टेनजेंशियल, तो मूविंग टेनजेंशियली वाला एग्जाम्पल है, यानी वेलोसिटी ट्रायंगल वाला एग्जाम्पल है। बोल रहा है द जेट स्ट्राइक टेनजेंशियली ऑन अ वैन मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। देखो, जब ये बोलेगा, जब आपको ये बोलेगा इन मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट, उसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसको पकड़ के रखो, ये कीवर्ड्स है। जब ये ऐसा बोलेगा मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट, या फिर बोलेगा मूविंग इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ जेट, तो क्या होगा। फिर बोल रहा है द वैन इज सो सेफ दैट इफ स्टेशनरी इट वुड डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल 50 डिग्री। अब दूसरा कीवर्ड है डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल 50 डिग्री, थ्रू एन एंगल 50 डिग्री। ये दो कीवर्ड है, ये दो कीवर्ड की वजह से ये टाइप टू हो जाता है वेलोसिटी ट्रायंगल के अंदर। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। ठीक है, तो हमें ये अल्फा टू बीटा टू ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड अल्फा टू एंड बीटा टू एंड ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन पर सेकेंड, सो हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, सो देखो यहां पे कीवर्ड्स है। अब जब वेलोसिटी ट्रायंगल होता है तो हमें पता होता है कि दो ट्रायंगल बनेंगे, इनलेट के आउटलेट के। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है कि ये इस तरीके से कुछ है, वो ये बोल रहा है कि जो जेट स्ट्राइक हो रहा है तो उससे जो इनलेट पे स्ट्राइक हो रहा है तो क्या करें, द प्लेट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो डायरेक्शन ऑफ जेट देखो अब क्या हुआ, प्लेट किस तरीके से मूव करती है, प्लेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, लाइक दिस। अब वो बोल रहा है कि प्लेट जिस डायरेक्शन में मूव करी ना, उसी डायरेक्शन में जेट आ रहा है। आपको उल्टा समझना है, यहां पे बोला मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट यानी जेट की जो डायरेक्शन है वही प्लेट की डायरेक्शन है। पर मुझे पता है प्लेट की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो जेट की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो ये लीनियर ट्रायंगल वाला आएगा, तो आपकी ब्लेड कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। ये कुछ आपकी ब्लेड इस तरीके से होनी चाहिए, लाइक दिस। तो आपका यहां पर लग रहा है देखो, और प्लेट भी इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपका जो ये आ रहा है ना जेट इस तरीके से आ रहा है, तो आपका जो इनलेट का ट्रायंगल बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर ट्रायंगल बनेगा, लाइक दिस। सो ये आपको ऐसा लीनियर ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वो सबसे बड़ी होगी वो VW1 होगी, इज इक्वल टू V1 होगी। सो VW1 इज इक्वल टू V1, सो ये इनलेट ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में यू है, तो आपको कुछ इतना ले लेना है यू। सो ये क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा आपका U1। ठीक है, तो बाकी का बचा वो क्या होगा, VR1 हो जाएगा। सो VR1 हो जाएगा बाकी का बचा वो। सो VR1 क्या होता है, VR1 होता है V1 माइनस U1। देखो अब यहां पे मैंने क्यों ऐसे डायरेक्ट कर लिया, सर आप तो वहां पे ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, हाँ मैं वहां पे ट्रायंगल करता था क्योंकि वहां पे ट्रायंगल बनता था। यहां पे कुछ इस तरीके से उसने बोला है मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट, तो ये स्ट्रेट लाइन हो रही है पूरी। ठीक है, इसको इस तरीके से, ये ब्लेड कुछ आपकी इस तरीके से होगी, तो जब ये वर्ड यूज करेगा ना तो समझ लेना आपका एक ट्रायंगल लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर। तो ये वर्ड को पकड़ के रखो, जितने भी एग्जांपल है ना आप देख के रखो लीनियर के, ये वर्ड यूज करेगा। ठीक है, आपको इसको पकड़ के रखा है, रखना है। तो मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट, अब एक लीनियर है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं VR1 = V1 - U1। अब V1 उसने देख के रखा है, V1 कितना देख के रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड। सो V1 है 30 मीटर पर सेकेंड, उसमें से हमें सब्स्ट्रैक्ट करना है यू की वेलोसिटी। सो यू की वेलोसिटी मैंने यहां पे लिखी है, नहीं लिखी है, देख लेते किताब में यू की वेलोसिटी क्या है। यू की वेलोसिटी उसने देख के रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। सो यू इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू U2 इक्वल टू, उसने देख के रखा है प्लेट की वेलोसिटी देख के रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। सो मैंने बोला था कि ये U1 इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U होता है। So, क्या होता है VR1 - U1, तो ये 30 - 15, ये VR1 क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज यहां पे VW1 क्या होगा, तो VW1 इक्वल टू V1 हो जाएगा, क्योंकि था क्या यहां पे, देखो यहां पे जब लिनियर ट्रायंगल बनेगा तो उसका मतलब क्या होगा, अल्फा 10 डिग्री और बीटा 10 डिग्री हो गया।
अब वी डब्ल्यू वन था हमारा क्या, वी डब्ल्यू वन था हमारा वी वन कोस अल्फा वन, सो अल्फा वन की जगह पे जीरो लग दीजिए, कोस जीरो साइन 90 तो वन हो जाएगा, तो वी डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या हो जाता है वी वन। तो इस तरीके से इसका पूरा लॉजिक समझना है। तो जब लिनियर ट्राइंगल हो जाएगा तो वी डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या हो जाता है आपका वी वन। सो यहां से तो हम इतना तो आंसर मिल गया, चलो वी वन मिल गया, वी आर वन मिल गया, सो वी डब्ल्यू वन इक्वल टू वी वन, तो वी वन कितना हमारा दिया गया वी वन 30, सो वी डब्ल्यू वन इक्वल टू वी वन इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम जाना है आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। सो इनलेट खत्म हो गया, सब जाएंगे आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो अब ये दूसरा कीवर्ड है, यहां पे वर्ड बोला है डिफ्लेक्ट, इस वर्ड को पकड़ना है, डिफ्लेक्ट बोला है, इट डिफ्लेक्ट्स द जेट थ्रू एन एंगल 50 डिग्री। तो जब लीव्स एट एन एंगल बोले ना, जब पिछला मैंने न्यूमेरिकल्स करा उसमें बोला जेट लीव्स एट एन एंगल, सो जेट लीव्स एट एन एंगल तो आपको V2 लेना है जब लीव्स वर्ड यूज आए तो। पर व्हेन ही सेज डिफ्लेक्ट, तो डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे ढूंढते थे, मान लो कि ये चीज है, इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे ढूंढेंगे, तो हम क्या करते थे, इसका जो टेनेजेंट है मान लो कि VR2 से बाहर निकल रहा है, तो ये वेलोसिटी टेनेजेंट VR2 है, तो ये जो एंगल बनता था उसको हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होते थे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किससे लेते थे हम, विथ रिस्पेक्ट टू टेनेजेंट। तो टेनेजेंट हम किसका बना, जो वेलोसिटी बाहर निकलती है, तो बाहर कौन से निकलती है VR2, क्योंकि VR1 से इन होता है, VR2 से आउट, तो जो VR2 को हम एक्सटेंड करते हैं वही टेंजेंट होता है। सो व्हेन ही सेज द डिफ्लेक्ट वर्ड मींस इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, और टेंजेंट हम VR2 का ड्रॉ करते हैं। तो व्हेन ही सेज द डिफ्लेक्ट वर्ड मींस उसने जो एंगल दिया वो विथ रिस्पेक्ट टू VR2 दिया है। सिर्फ ऐसा बोले जेट लीव्स एन एट एन एंगल तो V2 है, सिंपली लीव्स वर्ड आया, जब बट जब रिफ्लेक्ट वर्ड आ जाए तो समझ लो इट इज अबाउट VR2, वो टेंजेंट की बात कर रहा है, सो इट इज अबाउट VR2 लेना है आपको। So, यहां पे बोला है डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन 50 डिग्री एंगल, 50 डिग्री इसको मतलब VR2 का एंगल दिया है। सो आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो ये क्या होगा VR2, सो दिस इज VR2, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल कैसे बोला है 50 डिग्री, तो ये होना भी चाहिए। देखो आप जब रैंडम लो आपको लगना भी चाहिए 50 है, ठीक है, VR2 हो गया, बाकी का हमें ड्रॉ करना है, तो बाकी का कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सो ये VR2 है, तो यहां पर बाकी का हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये VR2 है, तो ये क्या होगा U2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा लाइक दिस, इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, इसको कनेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा V2, समझ में आ रहा है। सो ये VR2 है, क्या हो जाएगा V2 हो गया, सो लाइक दिस, तो दिस इज VR2, दिस इज U2, दिस इज V2, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो अब V2 का हमें दो कंपोनेंट ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। So, यहां पे मैं इसका ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस, इसको मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा V2 का वर्टिकल एंगल, सो लाइक दिस, और यहां से ऐसा कंप्लीट कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया VF2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा VW2, और उसका डायरेक्शन कहां होगा, जिस डायरेक्शन में V2 है उस डायरेक्शन में उसको मिलने का कोशिश करेगा। सो ठीक है, ये U2 इतना है, और पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हो वो क्या है आपका VW2। समझ में आया, क्या किया मैंने V2 को दो कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किया। अब देखिए आपको एंगल कैसे लेना है, सो V2, अब देखो सारे के सारे लाइन इस तरीके से, तो अल्फा टू बीटा टू की पोजीशन बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि V2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता था उसको हम बोलते थे α2, ठीक है। सो ये अगर α2 तो ये देखो पूरा जेड बन रहा है, सो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल α2 हो जाएगा। सेम वे ये VR2 है, ठीक है, ये पूरा VR2 है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी इस तरीके से, ये जो एंगल बनाता था उसको हम क्या बोलते थे β2, ये पूरा एंगल जो बनाता था उसको क्या बोलते थे, देखो VR2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ बना उसको क्या बोलते थे β2, तो ये भी जेड हो जाएगा। सो यहां पे एंगल क्या हो जाएगा β2, तो जब वेलोसिटी ट्रायंगल इससे उल्टा हो जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया मैंने कैसे लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए ए एंगल क्या, उसने पहले से देके रखा था डिफ्लेक्ट टू 50 डिग्री, सो हमने जो ये VR2 का लिया था विथ रिस्पेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या लिया था 50, सो देखो ये अगर 50 है तो ये पूरा क्या है जेड है, पूरा जेड बन रहा है, देखो ध्यान से देखिए पूरा जेड बन रहा है। सो ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, तो डायरेक्टली हमें β2 मिल गया, β2 हो जाएगा आपका 50 डिग्री। अब ढूंढने को क्या रहा α2, सो α2 ढूंढना है हमें, सो α2 कैसे ढूंढेंगे, तो देखो ध्यान से देखिए हमें मिल जाएगा, मैं यहां पे tan α2 लगा सकता हूं, tan α2, तो अगर मैं यहां पे tan α2 लगाऊंगा तो क्या होगा, सो tan α2 इज इक्वल टू व्हाट, तो ध्यान से देखना tan α2 क्या हो जाएगा।
सो टेन अल्फा टू हो जाएगा ऑपोजिट वाली साइड, ये ट्राइंगल दे दीजिए ओ ए बी सी, तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ओ ए सी, ओ ए सी, सो यहां पे अल्फा टू लगाइए टेन अल्फा टू, तो पूरी ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी वी एफ टू, ऑपोजिट साइड हो जाएगी वी एफ टू अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, तो एडजेसेंट हो जाएगा ये पूरा वाला साइड लाइक दिस और इस, तो इसको ध्यान से देखिए कि ये वी आर टू है और ये बीटा टू है, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा वी आर टू कोस बीटा टू, क्या हो जाएगा वी आर टू कोस बीटा टू प्लस मुझे ये भी एड करना पड़ेगा तब ये पूरा साइड होगा, तो ये कितना है यू टू, सो वी आर टू प्लस कोस बीटा टू। उसी तरीके से देखिए यहां पे मैंने वी एफ टू लिखा हुआ है, लेकिन वी एफ टू को मैं ऐसे लिख सकता हूं वी आर टू का बीटा टू का सामने वाला कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वी एफ टू ही है लेकिन ये वी आर टू का बीटा टू का सामने वाला, तो वी एफ टू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं वी आर टू साइन बीटा टू, समझ में आ गया। तो कैसे हुआ, तो यहां पे अल्फा टू लगाया तो ये मुझे पूरा ये कंपोनेंट वर्टिकल चाहिए, तो ये वी आर टू है बीटा टू उसका सामने वाला, तो ये हो जाएगा वी आर टू साइन बीटा टू अपॉन, ये मुझे पूरा चाहिए तो ये वी आर टू है ये बीटा टू है, तो इतना हो जाएगा वी आर टू कोस बीटा टू और इसमें यू टू एड कर दो, पूरा वी डब्ल्यू टू मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। सो हमारा वी डब्ल्यू टू क्या है, वी डब्ल्यू टू है हमारा वी आर टू कोस बीटा टू प्लस यू टू, और वी एफ टू क्या आ रहा है हमारा, वी आर टू आ रहा है वी आर टू का बीटा टू का सामने वाला, सो वी आर टू साइन बीटा टू, समझ में। तो जब हमारे पास बीटा टू एंगल हो तो हमें साइन ट्राइंगल, साइन रूल ट्राइंगल वाला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब बीटा टू ना और अल्फा टू दिया गया तो यू हैव टू यूज द साइन रूल, ठीक है। सो इस तरीके से मिल जाएगा, तो वी एफ टू वी डब्ल्यू टू मिल जाएंगे, तो इसको आप सोल्व करना, वी आर टू क्या होगा, तो यहां पे उसने कुछ दिया नहीं है कि क्या कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कुछ लॉस हो रहा है, तो हमें जब लॉस नहीं हो रहा है ऐसा ऐसा कुछ उसने दिया नहीं, कितना फिक्सन है 90% है 20%, तो हमें वी आर वन इक्वल टू क्या लेना है वी आर टू, ठीक है समझ में। तो उस केस के अंदर हमें क्या लेना है वी आर वन इक्वल टू वी आर टू, शायद उसने दिया होगा एग्जाम्पल के देर इज अ नो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऐसा कुछ दिया होगा, तो हमें वी आर वन इक्वल टू क्या लेना होगा वी आर टू, अगर नहीं भी देता है तो भी आपको वी आर वन इक्वल टू वी आर टू ही लेना, क्योंकि इस केस में हमें वी आर वन इक्वल टू वी आर टू लेते हैं, प्लेट की सर्फेस है उसको स्मूथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देके जेट जो वी आर टू है इट इज अ 90% ऑफ वी आर वन, सो वी आर टू इक्वल टू आपको 0.9 वी आर वन लेना पड़ेगा, तो आपको यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, उसने आपसे बोला कि देयर इज नो फ्रिक्शन, सो हम वी आर वन इक्वल टू क्या लेंगे वी आर टू, सो वी आर टू की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो बहुत जो लोग सोच रहे हैं वी आर टू कहां से आया, तो वी आर वन इक्वल टू वी आर टू होगा, बीटा टू की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है 50 डिग्री, यू टू तो हमें पता है यू टू इक्वल टू क्या होता है यू वन इक्वल टू यू टू, सो यहां पे अल्फा टू मिल जाएगा, तो अल्फा टू का आपका आंसर आएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आपका आना चाहिए, रेफरेंस बुक में लिया है, आपको वेरीफाई करना है, गलत है तो आप सही हो सकते हो, फिर मैंने डायरेक्ट आंसर ले लिया, मेरा काम है समझाने का, ठीक है। और ये खत्म हो गया, अब मुझसे लास्ट में बोला वर्क डन पर सेकेंड ढूंढिए, सो वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है मास फ्लो रेट, सो मास फ्लो रेट हम क्या लेते हैं रो ए वी आर वन, ठीक है। पर देखो यहां पे एरिया चाहिए होगा, अगर मुझे मास फ्लो रेट ढूंढना है तो मुझे चाहिए होगा रो ए वी आर वन, चलो पहले इसको कंप्लीट कर देते, मास फ्लो रेट इंटू क्या था हमारा वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, पर देखो इसमें क्या होगा वी डब्ल्यू वन की डायरेक्शन इस तरीके से लाइक दिस, इनलेट पे वी डब्ल्यू वन इस तरीके से, और आउटलेट पे भी देखिए वी एफ टू इस तरीके से था, वी एफ वी डब्ल्यू टू भी इस तरीके से, क्योंकि ये वी टू को कंप्लीट करेगा वी एफ टू वी डब्ल्यू टू, तो इसमें वी डब्ल्यू टू की जो आपकी डायरेक्शन है वो भी ऐसी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, सो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू क्या हो जाएगा यू, जो कि यू वन इक्वल टू यू टू है। अब ध्यान से देखिए ये वर्क डन पर सेकेंड हो गया, तो इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा, लेकिन वी आर वन है एरिया नहीं है मेरे पास पाई बाय फोर डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब इस तरीके से हो तो हमें जो डिस्चार्ज है वो ले लेना है, सो हम यहाँ पे रो ए वी आर वन नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे रो इंटू क्यू, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इज नथिंग बट दी एवी, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्चार्ज, कौन सा आप लीटर पर सेकंड था, तो आपको उसको मीटर क्यूब पर सेकंड यानी डिवाइड बाई 1000 करना है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आना चाहिए 4420.35 न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसका आंसर गलत हो तो आप सही भी हो सकते हो, मैंने जस्ट ऐसे ही इसको फॉर डेमो पर्पस लिखा, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर एक चीज और भी आ सकती है, देखो अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो गए जिसमें आपको बोला होगा सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स, ऐसे टाइटल हो गए सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स, तो आपको सेम इसी प्रोसेस के थ्रू उसको सोल्व करना है, या इसको इसका अगले वाला पार्ट टाइप हो सकता है या ये वाला टाइप हो सकता है, लेकिन होगा तो ये जो पिछले ये और इसका पिछले वाला एग्जाम्पल उसी की तरह है जब सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन बोलेगा, लेकिन एक चीज बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी, जब आप वर्क डन पर सेकेंड लिखोगे तो आपको क्या यहां पे मास फ्लो रेट, तो आपको मास फ्लो रेट रो ए वी वन लेना होगा,
बाकी का तो ये सेम ही रहेगा, VW1 प्लस और माइनस VW22। क्यों? क्योंकि जब सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन बोलता है तो मैंने आपको बोला था मास फ्लो रेट आपको क्या लेना है 100%। तो सिर्फ ये बदल जाएगा, यहां पे रोए VR1 की जगह पे रोए V1 आ जाएगा। ये सिर्फ चीज आपको याद रखनी है, बाकी सेम रहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन वाले जितने भी एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, मास फ्लो रेट मेरा रोए V1 हो जाएगा, वीआर वन की जगह पे V1 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन से तो 100% हो गया। तो इसमें तीन टाइप के सम हो सकते हैं, इसके पहले वाला जो मैंने गया वो जेट लीव्स एट एन एंगल, सो आपको विथ रिस्पेक्ट टू V2 लेना है। जब आपको टाइप टू डिफ्लेक्स आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू VR2 लेना है, और इन डायरेक्शन ऑफ जेट तो लिनियर ट्राइंगल वाला, तो ये दोनों में ही मैंने एक पार्ट, ऐसे तीन टाइप हो गए, सिंपल वाला लीव्स एट एन एंगल तो V2, और डिफ्लेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू VR2, फिर लिनियर ट्राइंगल वाला टाइप 3, और टाइप 4 सीरीज ऑफ कर्वर्डेंस। तो आप इसको दो देख के आप उसको बाकी के सोल्व कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।